एक समय वो था जब BSNL की सिम लेने के लिए कई दिनों तक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाकर BSNL की सिम हमको मिल पाती थी। BSNL कंपनी पूरे वर्ल्ड की सातवीं सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जो भारत में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है, जैसे CDMA, इंटरनेट कैरियर सर्विस, ब्रॉडबैंड, BOIP सर्विस, इन सर्विस और भी कई सर्विसेज उपलब्ध कराती है BSNL। इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की BSNL ने और रिचार्ज भी सस्ते रखे, फिर भी BSNL के कस्टमर दिन ब दिन कम होते चले गए। क्या वजह थी जो लोग BSNL को छोड़ने पर मजबूर हो गए? एक वो समय था जब BSNL पूरे भारत में राज करता था, हर घर में BSNL के यूजर थे। BSNL उस दौर में आई थी जब लोगों के पास नहीं बल्कि गांव और मोहल्लों में एक फोन हुआ करता था। एक मिनट की कॉल घड़ी देखकर की जाती थी। लोगों को लैंडलाइन और टेलीफोन बूथ के झंझट से फ्रीडम दिलाने वाली ये कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा है। 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कंपनी लगातार लॉस में चल रही है। इन 10 सालों में BSNL को 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि BSNL की इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? आज भी जहां किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं होता है, वहां BSNL का सिग्नल मिल जाता है। BSNL की कवरेज दूसरे टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में BSNL शामिल नहीं है? क्यों BSNL की कंडीशन ऐसी हो चुकी है? BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, इन दिनों इसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। इस कंपनी की ऐसी कंडीशन एक दिन में नहीं हुई है। 1 अक्टूबर 2000 को शुरू होने वाली BSNL का कभी टेलीकॉम सेक्टर में एक राज था, जो आज सरकार इस कंपनी को बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। इस कंपनी का ये हाल कैसे हुआ, इसके लिए हमें 20 साल पहले जाना होगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की शुरुआत हुई थी। उस समय आज की तरह हर किसी के पास फोन नहीं था, बल्कि पूरी फैमिली में या फिर पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक के पास मोबाइल फोन होता था। उस टाइम BSNL की सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था और जैसे तैसे सिम मिल पाती थी और 1 रुपए पर मिनट कॉलिंग के लिए टैरिफ मिलता था। धीरे धीरे इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने लगी और BSNL के अच्छे दिन बुरे दिनों में कन्वर्ट होने लगे। कभी प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे लॉस में धसती चली गई। फिर आया घाटे का दौर। साल 2010 में जब BSNL के घाटे में जाने की शुरुआत हुई थी, तो ये पहला साल था जब BSNL को घाटा हुआ था। मार्केट में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब जमाना बदल गया था, फोन की जगह स्मार्टफोन ने लेनी शुरू कर दी थी और वहीं टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच मोहल्ले से घर और घर से सदस्यों तक होने लगी थी। मार्केट में एक या दो नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान्स और FRC के साथ आते थे। कंज्यूमर्स के लिए कई बार रिचार्ज से ज्यादा सस्ता नया सिम लेना पड़ता था। ऐसे में BSNL लगातार अपने ग्राहकों से पिछड़ने लगी। 2010 से शुरू हुआ BSNL के घाटे का दौर अब तक नहीं रुका और अब हालात कंपनी को बचाने पर आ पड़ी है। 2016 में जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस आ गए। ऐसे में 4G नेटवर्क का तेजी से एक्सपेंशन हुआ और लोगों का फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले रेट कटर और लो कॉलिंग चार्ज प्लान्स थे, वहां अब 4G डेटा और OTT बंडल्स आ गए। BSNL जो अब तक 4G सर्विस रोल आउट नहीं कर पाई थी, इसी वजह से BSNL हर दिन पिछड़ती चली गई। जहां सभी कंपनियों ने 4G पर दाव खेला, BSNL के पास इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं था। 4G का ना होना लगातार BSNL को पीछे ढकेलता रहा। BSNL पर 4G नेटवर्क नहीं था, इसी चीज का फायदा उठाकर इन प्राइवेट कंपनियों ने अपनी बाजी मार ली और BSNL को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी कंडीशन में जियो ने फ्री डाटा देकर BSNL को और भी नीचे गिरा दिया। जियो ने जब फ्री सिम प्रोवाइड की तो BSNL के लाखों यूजर BSNL को छोड़कर जियो के साथ जुड़ गए, क्योंकि उस वक्त लोगों के अंदर फ्री इंटरनेट का भूत सवार था और लाखों की संख्या में जियो ने BSNL के यूजर अपनी तरफ मोड़ लिए। देखा जाए तो ये जियो का बहुत बड़ा स्कैम था फ्री इंटरनेट का, ताकि लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। लोगों को उस वक्त लगता था कि जियो हमारे लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन कंपनियों ने जब अपना असली चेहरा दिखाया तो इनको फिर से BSNL की याद आ गई। अब लाखों की संख्या में यूजर BSNL में वापसी करने लगे, लेकिन अब BSNL में जाने से पहले कस्टमर के मन में ये सवाल है कि BSNL उन्हें अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में आप किस कंपनी में जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।